हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके जो भी पार्टनर है, आखिर इनको आपका इतना अट्रैक्शन क्यों है। मतलब जैसे कि हमारे हर रीडिंग में निकल के आता है, जब हम करंट फीलिंग्स चेक करते हैं तो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, फिज़िकली एडिक्शन तो बहुत ज़्यादा है और बस बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको बस आपसे फिज़िकली इंटीमेट होना है और ये सब कुछ, ठीक है। तो फिर इतना अट्रैक्शन इनको आपका क्यों है, आखिर ऐसी आप में क्या ख़ास बात है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते क्या कुछ निकल के आता है, आखिर आपके पार्टनर इतना अट्रैक्शन आपसे क्यों फील करते हैं। ट्रू मैसेज इन योर समय, क्या है सच्चाई इनके पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए, क्यों इतना अट्रैक्टिव फील करते हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए, और अगर इतना अट्रैक्शन फील करते हैं तो आते क्यों नहीं, हमें दोनों आंसर्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका उनको अट्रैक्शन क्यों है, ठीक है। और यस, आपको ये याद रखना है ये टाइमलेस और कलेक्टिव की रीडिंग है, हर एक पॉइंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। और जैसे कि अगर रीडिंग का आउटकम आपसे मैच नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हो, बहुत दिनों से, सालों से, महीनों से इंतज़ार कर रहे हो, एक्शन नहीं आ रहा है, तो बस वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है। आपको रिलेशनशिप की सच्चाई जानने की ज़रूरत होती है कि आखिर ऐसा क्यों है और क्यों मतलब रिश्ता स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्यों आपको एक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपको पर्सनल रीडिंग में समझ में आ जाता है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको किस तरह से कॉल को बुक करना है, ठीक है। और जिससे कि आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है, आपके पार्टनर इतना अट्रैक्शन आपसे क्यों फील करते हैं, और ये है आपका पहला कार्ड। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। यस, दिख रहे हैं। आखिर आपके पार्टनर इतने अट्रैक्टेड क्यों है आपसे। ऑलराइट, और अब हम देखते हैं अगर इतना अट्रैक्शन महसूस करते हैं तो आते क्यों नहीं, नहीं आने की वजह क्या है। ये है उनकी नहीं आने की वजह, जो कि हम एंड में देखेंगे। ओके, और यहाँ पे बॉटम में है पेज ऑफ कप्स, जैसे कि बहुत दिनों से यही एनर्जीज आ रही है बॉटम की, कि आपको एक्शन तो डेफिनेटली रिसीव होने वाला है आपके पार्टनर का, जो दिल से चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करना, ठीक है। आपके पार्टनर स्ट्रांगली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के हो सकते हैं, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। यहाँ पे नंबर है 4777 आपका एंजल नंबर दिख रहा होगा, 888 दिख रहा होगा, 9 है यहाँ पे, 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको इतना अट्रैक्शन क्यों महसूस करते हैं। तो आपका रहने का स्टाइल, ठीक है, आप जिस तरह से रहते हो, जिस तरह से बात करते हो, कपड़े पहनने का स्टाइल, और जो कि आपका खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, फर्स्ट टाइम देखते ही आपके प्यार में, मतलब उनको इस तरह से फील हुआ था कि ये मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कुछ तो कनेक्शन इसका मेरे साथ डेफिनेटली है, क्यों मुझे ये बार बार, जैसे कि आपको एक बार देखने के बाद जब ये कहीं और चले गए या फिर अपने घर पे चले गए, उसके बाद ही जो है आप इनके माइंड में चलने स्टार्ट हो गए, और तब से लेके आज तक आप इनके माइंड में चलते ही रहते हो। जो कि ऐसा होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इस तरह से था कि ये आपको, आपका वो लुक आज तक नहीं भुला पाए, ठीक है। और उसी के चलते इनको बार बार आपको देखने का दिल करता रहता है बार बार, जैसे कि अगर आप कहीं, अगर आप कहीं पास में रहते हो तो बार बार देखने की कोशिश करेंगे, अगर आप दूर हो और लॉन्ग डिस्टेंस में हो और गलती से कभी टकराए थे और बाद में जैसे कि आप अपने सिटी चले गए या अपने घर चले आए,
फिर भी इन्होंने आपको हमेशा ही सोशल मीडिया पे स्टॉक किया है। आपको देखना इनको बहुत पसंद है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से अपने ज़िंदगी का सामना करते हो, आपके आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी तकलीफें आपके लाइफ में होती है ना, उन तकलीफ़ों को आप किस तरह से तकलीफ़ों का सामना करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने का जो स्ट्रेंथ आप दिखाते हो ना, वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो हमेशा आपको किसी ना किसी के साथ कंपेयर करते आए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर दो दो पार्टी से डील तो डेफिनेटली कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। तो ये हमेशा से ही आपको अपने पार्टनर के साथ, जो कि उनका लाइफ पार्टनर है, उनके साथ, और आप जो हो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेफिनेटली हो, ठीक है। तो ये आपको हमेशा उनके साथ कंपेयर करते आए हैं कि ये मेरी पार्टनर ऐसी है और ये ऐसी है, जैसे कि ये एक ऐसे पर्सन है अपने लाइफ में सब कुछ पा के, मतलब अपने दम पे इन्होंने सब कुछ जीता है। कोई मतलब ये ना हाई पोजीशन पे है, ठीक है, इनका रुतबा हाई है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा कमाते हैं, और जैसे कि एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, ठीक है, जैसे कि आर्मी मैन, मिलिट्री, पुलिस ऑफिसर्स, इस तरह से होता है ना, उस टाइप का ये पर्सनैलिटी है। और इसने जो है जो अपने पार्टनर को चाहा था कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, जो कि सारी उम्मीदें इनकी टूट चुकी उस पार्टनर के साथ, ठीक है। कभी भी उनको ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि यस, मतलब इनके जैसी पर्सनैलिटी को जैसी चाहिए, और मतलब जैसे अगर ये आदमी है तो कोई वाइफ जैसी चाहिए, या फिर अगर ये लड़की है तो कोई हस्बैंड जैसा चाहिए, वैसे उनका पार्टनर था ही नहीं। और जब इन्होंने आपको पहली बार देखा, तब इनको ये महसूस हुआ कि यस, यही है वो पर्सन, यही है जो मैं चाहता हूँ मेरे पार्टनर में। जैसे कि ये चाहते थे कि इनका पार्टनर एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, जैसे कि किसी से भी ना डरे और कॉन्फिडेंटली सामने वाले का सामना करे, अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है तो उसको तुरंत जवाब दे, इस तरह से। मतलब इनका जो भी फाइनेंस है, जो इनको देते हैं, वो उससे अच्छे से मैनेज करके अपने मतलब इस तरह से दिखना चाहिए, जैसे कि कोई ऑफिसर है, ऑफिसर का जो भी पार्टनर है वो कैसा लुक में होना चाहिए कि उसको देखते ही सामने वाले को ऐसा फील हो कि वाओ, इसका हस्बैंड तो ऑफिसर है, या फिर ये तो देखो, ये तो इसका मतलब इसकी वाइफ है ना, वो ऑफिसर है, इस टाइप का। तो ऐसा ना कभी भी इनके पार्टनर को देख के कभी भी किसी को फील नहीं होता था, मतलब उनको देख के हमेशा ऐसा ही लगता था कि शायद वो अपने लाइफ में हैप्पी नहीं है, इस तरह से जो कि शो होता था बार बार। तो ये हमेशा उम्मीद करते थे कि ऐसा ना हो, कि इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्शन इनको महसूस हुआ, इनको लगा कि यस, यही है मेरी बराबर की पार्टनर, और जो कि मेरा साथ ज़िंदगी भर दे सकती है। और जैसे आपके आपके थिंकिंग एंड थॉट्स हैं ना, सेम उनके भी थिंकिंग एंड थॉट्स वैसे ही है। जैसे आप डोमिनेट करना चाहते हो, सेम ये भी डोमिनेट करना चाहते हो। जैसे आपके अंदर ईगो है, इनके अंदर भी ईगो है, मतलब कि आप सेम वैसे ही हो जैसे वो है, इसीलिए आपकी तरफ ये अट्रैक्शन फील करते हैं। क्योंकि और जैसे कि आप देखोगे, जब भी आपका दोनों का झगड़ा भी होता है ना, तो ये हमेशा अपनी बात किस तरह से सच है, यही आपको बताने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे आप भी अपनी बात किस तरह से सच है वो बताने की कोशिश करते हो, और फिर यहाँ पे जो है, जब आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ दिमाग लड़ाते हो, फाइनली लड़ाई में यही जीत जाते हैं, इस तरह से है। लेकिन आप जिस तरह से इनको आर्ग्यू करते हो, डिफेंड करते हो, अपने आप को एक्सप्लेनेशन देते हो, ये इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। उसके ऊपर आपका जो इंट्यूशन है, आप जो इंट्यूशन से बताते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है, और ज़्यादातर ऐसा हो भी जाता है, तो फिर वो शॉक हो जाते हैं कि यस, इसको कैसे पता चला कि ये होने वाला था, और फिर वो डाउट ऐसे अपने ही दिल में कि ऐसा इसको कैसे पता चल सकता है, नहीं तो इससे पहले ऐसा नहीं बोला था, पता नहीं मैं ही भूल गया हूँ शायद, ये शॉक हो जाते थे आपके इंट्यूशन से, ठीक है। आपके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये इनको समझ में आता है। आपकी गेसिंग, जो आप गेस करते हो, जो आप मतलब बोलते हो ना, ये ऐसा हो सकता है, यही है, वो भी राइट होता है, जो कि इनको दिल से वो फील भी होता है कि राइट है, लेकिन फिर भी ये किस तरह से मतलब आपको रॉन्ग ही ठहराएंगे, इस तरह से है कि आपकी बात जो है राइट नहीं है, ठीक है। ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ पे जो है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जो कि आप उनकी हर एक तमन्ना हो, जो अपने लाइफ पार्टनर में वो चाहते थे ना, वो हर एक क्वालिटी आपके अंदर थी, जो इनको उन्होंने नोटिस की, उन्होंने देखा, ठीक है। और जैसे कि आप क्विक एक्शन लेते हो, कभी भी ना कुछ भी डिसीजन लेने के लिए आपको किसी
किसी की किसी के विचारों की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने दिमाग से आपको जो लगे वैसे डिसीजन लेके एक्शन क्विक लेते हो। आप कभी भी ना इस तरह से पेंडिंग पे नहीं रखते हो। आपका क्विक डिसीजन लेना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो कि मतलब आप सब्र नहीं कर पाते हो, जैसे अगर इन्होंने आपको कुछ कॉल मैसेज किया आप उनका तुरंत रिप्लाई दे देते हो, जिससे कि ये हैप्पी हो जाते हैं, इनको आपका वेट नहीं करना पड़ता। तो इनका ऐसा है। लेकिन जब ये आपको कॉल मैसेज जब आप इनको कॉल मैसेज करते हो तो ये आपको आराम से रिप्लाई देंगे या तो रिप्लाई देंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन इनको इतना कॉन्फिडेंस है, अगर मैं इसको हाई भी करता हूँ ना तो मुझे तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, तो इनको ये अच्छा लगता है। ये टेंशन फ्री रह जाते हैं कि कोई बात नहीं, आ जाएगी मुझे तो यूँ इस तरह से मैं उसको अपने पास ला सकता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। जब ये आपसे मिले थे ना उससे पहले ही ना इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था। मतलब या तो इनका किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका था और नहीं तो इनका मतलब इनका कोई इनका कोई एक्स पार्टनर जो है इनको छोड़ के गया था, जिससे पेन से वो बिल्कुल भी उबर नहीं पाए थे, ठीक है। और फिर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था उस टाइम पे कि अभी ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा। फिर इन्होंने किसी और से शादी कर ली और उनसे शादी के बाद मतलब इन आपसे पहले इनकी शादी हो चुकी थी, उस शादी से पहले भी इन्होंने किसी से प्यार किया था जिससे उनकी शादी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद इनकी शादी किसी और से हो गई, उनसे कभी इनको प्यार हुआ ही नहीं। और तब इन्होंने डिसाइड किया था, पहले वाले ने जब चीट किया या पहले वाले को जब छोड़ना पड़ा तब उन्होंने डिसाइड किया था अब ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा। लेकिन फिर इनको आपसे प्यार हो गया, आपसे अट्रैक्शन महसूस हो गया, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ जो थी आपके अंदर वो इनको आप में अच्छी लगी, ठीक है। आपका हर सिचुएशन में डट के खड़े रहना और आप जो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके अंदर। और आपका हर सिचुएशन में डट के खड़े रहना और आप जो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो वो इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और लुक तो आपका अच्छा है ही, यही क्वालिटीज़ है आपके अंदर जिससे कि आपके पार्टनर आपके लिए अट्रैक्शन महसूस करते हैं और कभी भी आपको भूल नहीं पाते, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है क्योंकि जब आपने इनको जो मैसेज कॉल किया है ना पास्ट में, अभी जब आपका ब्रेकअप हुआ था उसके बाद आपने इनको मनाने की कोशिश की थी और इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया है, उस कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करने का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप ऐसा समझ लोगे कि शायद ये आपको भूल चुके हैं, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं, जान मैं ज़िंदगी भर तुझे नहीं भूल सकता और तू मेरा इंतज़ार कर, मैं बहुत जल्द तेरे पास आने वाला हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इतना अट्रैक्शन आपके लिए महसूस करने के बावजूद, इतनी अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर है ये इनको पता होने के बावजूद, ये क्यों आपके पास नहीं आते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला ना, इनका पार्टनर का जैसे उम्मीद था ना इनको हमेशा से कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, इसको देख के दुनिया को पता चलना चाहिए कि यस ये इसका हस्बैंड है या फिर ये उसकी वाइफ है इस तरह से, तो वो ना उनका पार्टनर वैसे नहीं था। वो ना एक ऐसे डरपोक टाइप पर्सनालिटी, जैसे कि ज़रा सी बात पे डर जाना, अपने आप को डिफेंड करने की हिम्मत नहीं होना, और मतलब जैसे कि डरा डरा, ठीक है। तो इनको एक कॉन्फिडेंट पर्सन चाहिए था जो कि इनके पार्टनर नहीं थे, ठीक है, नहीं है, इसीलिए जो है इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन उस टाइम पे ज़्यादा महसूस होने लगा था, क्योंकि इनको वैसी पर्सनालिटी की ज़रूरत थी जैसे कि आप हो, ठीक है। हालांकि कुछ भी हो जाए ये अपने पार्टनर को कभी छोड़ना नहीं चाहते, तब भी नहीं और आज भी नहीं, ठीक है। लेकिन आप अगर ये पहले से शादीशुदा नहीं होते ना तो डेफिनेटली आपसे शादी करते, ठीक है। ये हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि अगर इनके घर वाले अगर नहीं मानते, मतलब जैसे कि अगर आप एक कास्ट में होते जो कि मैरिज के लिए इशू होते, अगर वैसे इशू नहीं होते जैसे कि आप एक कास्ट में हो और घर वाले परमिशन दे देते शादी के लिए तो आप इससे शादी करते इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसे पर्सन है जो कि अपना नाम भी ख़राब होने नहीं देना चाहते, अपने फैमिली का रिस्पेक्ट भी अच्छे से रखना चाहते हैं, और जैसे कि इनको पछतावा बुरा इस बात का लगता है कि काश अगर तू भी मेरे मतलब मेरे कास्ट में होती, मेरे पोजीशन पे होती, या फिर मेरे जैसे कि मेरे घर वालों को जैसा चाहिए वैसे अगर तू होती तो मैं कितना दिल से तुझे स्वीकार करता समाज के सामने। इनका इस तरह से है क्योंकि ये जो है समाज के अपोजिट जाने वाले पर्सन नहीं है, इसलिए इनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये आपको अपना नहीं सकते। अब हम देखते हैं इतना अट्रैक्शन होने के बावजूद वो आपके पास आते क्यों नहीं है। तो यस डेफिनेटली आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू लव द लवर का कार्ड है, आपका कनेक्शन ही डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। आपको कभी कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता,
चाहे कितनी भी थर्ड पार्टीज आए, वाइफ आए, हस्बैंड आए, मम्मी पापा आए, कोई भी आए, आपको कोई एक दूसरे से अलाउ नहीं कर सकता, ये डिवाइन आपको खुद बता रहे हैं, ठीक है। या आपके पास इसीलिए नहीं आते क्योंकि इनको यही फील होता है कि मैं तुझे कितना भी एक्सप्लेन करूँ कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुझसे उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ जो कि इस वक्त मेरी लाइफ में है। जैसे कि मैंने बोला, ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, आप देख सकते हो यहाँ पे भी दो दो पार्टीज़ है, यहाँ पे भी दो दो पार्टीज़ है, आपके पार्टनर दो पार्टीज़ से डील कर रहे हैं, तो इनको ये कहना है कि जो दूसरी पार्टी मेरी लाइफ में है, मैं उसकी तरफ बस अपना जैसे कि जिम्मेदारी की तरह मैं उसको देखता हूँ, संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ तेरी और है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये तुझे समझ में ही नहीं आता। मैंने तुझे बहुत समझाने की कोशिश तो की है, मुझे पता है कि तुझे जस्टिस चाहिए और मैं तेरे साथ जस्टिस ही करना चाहता हूँ, मैं अपने प्यार का कब तुझे ऑफर करना चाहता हूँ, मेरे दिल की फीलिंग्स सिर्फ तेरे लिए हैं जो कि ट्रू है, मैं तुझे कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, बस एक बार तू ये मेरी बात समझ जाए कि मैं आऊँगा तेरे पास और तुझे मतलब कि तू बस एक बार थर्ड पार्टी के साथ मैनेज करने के लिए रेडी हो जा बस, क्योंकि तुझे ये समझ में इतना समझने की कोशिश कर कि कुछ भी हो जाए मैं मेरी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ जो दिखाने के लिए मेरे पास प्रूफ नहीं है, ये तुझे समझना होगा। और यही बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कि शायद आप रिजेक्ट करोगे, शायद आप जिद करोगे, शायद आप मना करोगे, शायद आप थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए मैनेज करने के लिए रेडी ही नहीं हो जाओगे, आपको ये अच्छा ही नहीं लगता है कि ये आपको जो है इनके साथ तोलते हैं, इसलिए जो शायद आप इनको रिजेक्ट करते हो बार बार, और इनको अच्छे से पता है कि आप नहीं मानोगे, शायद इसीलिए आपके लिए एक्शन नहीं लेते, ठीक है, और यही रीज़न है इनका एक्शन नहीं लेने का। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके भी साथ जो भी पॉइंट रेजोनेट है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और यस, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है कि आपको किस तरह से कॉल को बुक करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।